पटियाले वाली घटना का जिक्र करांगे। कल शाम पटियाला पुलिस और जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दसिया कि सिख नौजवान बलजिंदर सिंह परवाना इस घटना का मास्टरमाइंड है, जिहड़ा शिवसेना का लीडर हरीश सिंगला गिरफ्तार किया गया सी, उसनू दो दिन के पुलिस रिमांड से अदालत ने भेज दिता है। तो इस पूरे मामले के पंजा नामजद किए गए ने, पंजा मुलजम नामजद किए गए ने, जिन्हां दे विचों दो होर गिरफ्तार कर ले गए ने। इंटरनेट सेवा से कल पाबंदी सी, उसनू बहाल कर दिता गया। उस तो भी पहला आई जी एस एस पी अते एस पी नू इस घटना के बदले बदल दिता गया प्रशासन के वलों। काली माता मंदिर से भी इस घटना दरमियान पथराव होया सी, तां इत्थे हिंदू जथेबंदियां ने मंदिर के बाहर धरना मार दिता सी। पुलिस ने मुलजमां की गिरफ्तारी का भरोसा दिता, धरना मुलतवी कर दिता गया सी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस घटना नू पोलिटिकली मोटिवेटड दसदिआं विरोधी पार्टियां ते इल्जाम लाया अते सब तो वड्डे तौर ते उन्होंने नाम लिया श्रोमणी अकाली दल अमृतसर सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी का नाम लिया। इस दरमियान श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान ने जलंधर दे विच कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सख्त सुरक्षा प्रबंधा हेठ हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच सिमरनजीत सिंह मान ने पटियाला विच हुए टकराव नूं सुरक्षा एजेंसियां दी नाकामी दस्या है। मान ने कहा कि सिखां दा शिवसेना दे नाल नहीं बल्कि केंद्र दे नाल टकराव है, जिहड़ा पंथक मसले हल नहीं कर रहा। देश दीआं सूईआं एजेंसियां आई बी ते रा बुरी तरह फेल हो चुकियां ने। कहिंदे इन्हां कोल किसी मामले की अगाऊ सूचना हुंदी ही नहीं, भावें उह घरेलू मसले होण जां फिर कौमांतरी पद्धर दे मसले होण। अज साडी पार्टी दा विशा इह है कि सिख कौम नूं अपनी इज्जत का स्थान इंडिया दे विच नहीं मिल रहा। प्राइम मिनिस्टर ने भी कल मीटिंग सिख लीडर्स दे नाल कीती है। मीटिंग सिख लीडर्स दे नाल करनी बहुत अच्छी होंदी है प्राइम मिनिस्टर दी, पर जिहड़े सिखां दे इशूज हैगे है वह तो अजे तक कोई भी नहीं टच कर रहा, जिहड़ी बहुत अफसोस की गल है। इन्ना मैसिव फेलियर हो गया इंटेलीजेंस का, यूनियन होम सैकटरी मिस्टर भल्ले भी एक साल नौकरी होर वधा दिती है, उन्हें रिटायर हो जाना सीगा। रॉ का जिहड़ा डायरैक्टर है उन्हें भी रिटायर होना सीगा, उन्हें एक साल की होर अमोलत देती है। आई पी का डायरैक्टर ने रिटायर होना सी, उसने एक साल नौकरी होर वधाती है। तो मेरा मतलब है कि जे तुसी नलैका नूं अगे लेके आओगे तुसी तो फिर नलैकी नूं वधावा दे रहे हो, तुहाडे विच कोई अपनी देश भगती तो है नहीं गी। तमान दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मद्देनज़र किसी भी तरह का टकराव होने के डरों पुलिस ने सख्त सुरक्षा प्रबंध किए हुए सी। कॉन्फ्रेंस हाल नूं जाण वाले राह दे विच मैटल डिटेक्टिव लाया होया सी। मान ने इस मौके एस जी पी सी इलैक्शन करवाने की मंग भी की, जिड़ी कि पिछले 12 सालों तो नहीं हो रही। मान ने दोष लाया कि केंद्र सरकार पिछले 12 सालों तो एस जी पी सी दी चोणां नहीं करवा रही, सिखां नूं अपने जमहूरी हक तो वांछे रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाले तक ना तो बरगाड़ी का मसला हल होया, ना ही एस जी पी सी वालों गुम किए गए लापता किए गए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूपों बारे कुछ पता लग्या। बारह साल हो गए है कि सिखां दी जिहड़ी पार्लीमेंट है जिहदी म्याद 5 साल हुंदी है उहदे 12 साल तो इलैक्शन ना होण, ते फिर सिख कौम दा जिहड़ा जमहूरियत हक है इह क्यों खो के रख्या होया, की वजह है जिहदी पार्लीमेंट दे इलैक्शन 12 साल तक रोके जाण, पर इह कोई देखदा ही नहीं है। ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਗੜਾ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ।